ये जो आज हाफ शर्ट बनाने वाले हैं उसका कपड़ा मेरा ये है, ये नेट है और इसके अंदर एक चिपकने वाला कपड़ा है जो शाइनिंग मारता है। ये नेट नहीं है, ट्रांसपेरेंट में नहीं है और इसका लाइनिंग है। इन दोनों को मिला करके एक जो हाफ शर्ट है वो बनाने वाले हैं। ये डोरी है और ये बटन है। उस सरग में मेरे काफ़ी पैटर्न है। जो पैटर्न है मेरा इस तरह से है, हाफ सरग ए लाइन में, जो आप लहंगे के साथ गाउन के साथ पहन सकते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी ए लाइन में काफ़ी घेर है इसमें और ये हाफ है। यहाँ से यहाँ इसमें डोरी है और एक स्लीव इस साइड की है और यहाँ पर इसमें काफ़ी बटन है। मैं सिर्फ यहाँ पर लगाऊँगा इसमें, और इसकी जो ये ब्लाउज है ये अलग से बनाऊँगा, एक बटन यहाँ पर लगाऊँगा। तो फिलहाल जो वीडियो बनाने वाले हैं इसका हाफ सरग का ये वाला पैटर्न बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये वाला वीडियो बना लेंगे। तो आज जो है ये वाला बनाना सीखेंगे, हाफ श्रग जो लहंगे और आप गाउन के साथ पहन सकते हैं। तो देखिए, इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कपड़े को बिछाना पड़ेगा इस तरह से, नहीं कि इसको फोल्ड करेंगे, इसको सीधा सीधा रखेंगे। जैसे अपने को फ्रंट ओपन रखना है वैसे ही यहाँ पर जॉइंट रखना है और बाकी घेर ऐसे कैसे रख देना है। ये दो पल्ले हैं मेरे जो मैंने टेबल पर बिछा लिया है। जो भी कपड़ा आप लें वो बिछा लें। अगर नेट में सिंगल में कटिंग करना चाहते हैं तो सिंगल बिछा लें। फिलहाल मैं इसमें लाइनिंग अस्तर लगाऊंगा और अस्तर में ही इसको बनाऊंगा। तो अस्तर ऐसे कैसे सीधा दो के प्रेस करके मैंने सीधा कर लिया है और इसको भी ऐसे कैसे, इस तरफ खुला मुंह है जो फ्रंट में है, हाफ बनेगा तो ये खुला वाला हिस्सा जो है मैं अपनी तरफ लगा कर इसको अच्छी तरह से सेट कर लेता हूँ। तो इस तरह से इसको कपड़े को सेट कर लिया है। ये अपना अस्तर हो गया और मेन पीस हो गया। ठीक है, अब इसका मेजरमेंट भी लगे तो बता ही देता हूँ आप। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो टोटल लेंथ, अपने को जितनी लेंथ चाहिए वो निशान लगा लिया है। ठीक है, अब इसमें निशान लगाएंगे। पहला यहाँ से एक निशान हो गया, पहला निशान लगाएंगे आर्मोल का, जहाँ से आस्तीन चढ़ाते हैं 7 इंची पे, 35-34 है तो 7 5 5 हिस्सा करीबन चेस्ट का आएगा, तो ये 7 पे हो गया। और दूसरा निशान कमर का 14 इंची पे नॉर्मली तरह से लगा लिया और इन पे सीधी सीधी दो लाइन खींच लेनी है। अपना जो नेक है इसका करीबन 2.5 इंची आएगा। ठीक है, ये गले का निशान हो गया जो नेक का 2.5 इंची का, और टोटल शोल्डर जितना अपने को 14 इंची है तो 7 इंची पे निशान लगा लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर चलेंगे चेस्ट का निशान। यहाँ पर दबाव का अलग से निशान छोड़ दिया, जितना मार्जिन अपना जो आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये तैयार नाप है तो 34 इंची का 34 इंची ही रखने वाला हूँ मैं। तो 34 इंची का आधा जो है चौथा हिस्सा होता है वैसे 8.5 इंची, और इसमें सिंगल रहेगा तो 17 इंची का, तो 17 इंची रहेगा, 17 इंची का 8.5 हो गया। ठीक है, आधा, और ऐसे ही करके कमर का, तो ये कमर का निशान हो गया। यहाँ से जितना घेर अपन टोटल लेंथ आ जाएगी, जितना घेर रखना चाहते हैं 34 इंची 36 इंची, तो मेरा फ़िलहाल इसमें 36 इंची या 36 इंची के आसपास ये निशान लग जाएगा यहाँ पर। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर ये सीधा निशान लगा लेंगे और इसको मिला लेंगे यहाँ से कमर को चेस्ट से, और इसको यहाँ से पकड़ के इंच टेप से जितना घेर है वहाँ से इसको ए लाइन शेप दे देंगे इसको इस तरह से। ठीक है, और ये ए लाइन शेप आ जाएगा इसमें, और यहाँ पर जो है ये शेप दे लेंगे इसमें। ठीक है, ये आर्मोल का शेप इसमें दे लेंगे, स्केल से भी लगा लें और ज़रा सा इसमें 1/2 इंची शोल्डर डाउन कर लेंगे। ठीक है, और ये 2.5 इंची गला बैक का रखेंगे, ये 2.5 इंची, ये 2.5 इंची बैक का ले लेंगे, इस पर शेप लगा लेंगे इस तरह से। ये शेप लग गई। ठीक है, और बैक फ्रंट का गला थोड़ा सा बड़ा काट लेंगे, जो अलग से बाद में कटिंग कर लेंगे। तो फिलहाल मैं इसकी कटिंग यहाँ से कर लेता हूँ, ये देखिए, और ये यहाँ से आ जाएगा। अस्तर और मेन पीस दोनों एक साथ कटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा लेके कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ से कटिंग करके यहाँ तक मैं मिला देता हूँ, और यहाँ से भी इसमें थोड़ा सा शेप मार देता हूँ मामूली सा कटिंग में ही, टोटल लेंथ में यहाँ से थोड़ा सा अंदर की साइड में मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से अपनी कटिंग हो जाएगी, और इसमें जो है यहाँ पर थोड़ा सा काम करना है, उधर का काम मैं बाद में कर लूँगा, ये निशान पहले लगा लेता हूँ। सेम ऐसे ही निशान दूसरी साइड उठा ले, और इसमें जो है एक में फ्रंट जो पार्ट रहेगा वैसे दोनों ही बराबर रखेंगे इसमें, क्यों फ्रंट और
एक पार्टी रखेंगे इसमें फिलहाल, जो ये डीप कटिंग क्या है कि पहनने की तरफ एक आस्तीन एक ही साइड आएगी, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना अपने को। और जो ब्लाउज बनेगा इसका, उसमें दूसरी साइड आस्तीन आएगी, लेफ्ट और साइड, लेफ्ट और राइट साइड दोनों में एक एक साइड में एक एक आस्तीन लगेगी। इसमें एक साइड में एक आस्तीन आएगी, उस हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। तो इसमें ये डीप कटिंग भी कर लेंगे, ठीक है, ये काम मैं कर लेता हूँ। तो इस तरह से अपनी जो है कटिंग हो चुकी है, थोड़ा लाइनिंग को मैंने छोटा रखा है और ये मेन पीस हो गया और ये घेर हो गया, इस तरह से इसमें मैंने थोड़ा कटिंग किया है। तो ये मेरा पैटर्न जो है कटिंग हो चुका है, अब इसकी जो है सिलाई करेंगे। उससे पहले आस्तीन कटिंग और करेंगे, इसकी आस्तीन कटिंग करेंगे। आस्तीन कटिंग करने के लिए लाइनिंग है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है इस तरह से, ठीक है, जितना कपड़ा उसमें डबल फोल्ड कर लें और यहाँ से निशान लगा लें ऊपर से, अपना जितना कटिंग करना है अपने को, टोटल लेंथ जितनी आस्तीन है ये उसमें आस्तीन हो जाएगी। और 3 इंच का एक निशान लगाएंगे इस पे ऊपर, सीधा निशान जहाँ आर्म होल कटिंग करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी सीधा निशान लगा लें। 7 इंच उसमें निशान लगाया था तो इसका 7.25 इंच भी ले लें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर जितनी आपकी मोहरी है उतना निशान लगा लें, तो 8 इंची का मैं 4 इंची में निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ से मिला देंगे, ये मिल गया, और यहाँ से आस्तीन कटिंग करेंगे। तो इसको सीधा निशान लिया, इसका बी सेंटर किए यहाँ पर, आधा इंची बाहर आधा इंची अंदर, और इसको मिला देना है। बाहर वाला हिस्सा बैक हो जाएगा और अंदर वाला हिस्सा इसमें जो है फ्रंट पार्ट हो जाएगा। तो इसकी कटिंग इस तरह से करते हैं, ये हो गया और ये हो गया, और इसका ये थोड़ा सा मार्जिन रखें जितना कुर्ते में या छोड़ा है सरक में अपन ने, उतना ही इसमें मार्जिन लेना है। और यहाँ पर इसमें कुटका लगा लेने हैं फिटिंग का, और ये भी सेंटर का, और फ्रंट कटिंग करेंगे तो ये वाला हो जाएगा अपना। दो पल्ले एल सीधा किया और यहाँ से थोड़ा थोड़ा शेप देके इसमें ये वाला पार्ट हो जाएगा अपना सामना। ऐसे ही करके जो मेन पीस है इस पर रख के ये आस्तीन में दो कटिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले तो इसकी क्या है कि आस्तीन बनानी है, अस्तर लगा कर इसको चारों तरफ से कच्चा करके अस्तर को, और यहाँ से फोल्ड कर लिया है, जो आप आराम से कर सकते हैं। ये आस्तीन हो गई फिलहाल मेरी, इसमें एक ही आस्तीन लगेगी, मैंने 2 आस्तीन बना ली हैं, जो इसका आगे का एक ब्लाउज है उसमें दूसरी आस्तीन उसमें लगाऊंगा। ये लगाने का यही है कि एक आस्तीन उल्टे हाथ पे और एक आस्तीन उल्टे हाथ पे, दोनों पीसिस में एक एक आस्तीन लगेगी, तो वो सिस्टम अपने को दिमाग में रखना है इस चीज़ को। तो ये एक आस्तीन काम में आएगी, ये हो गया, ठीक है, मैंने उसको बना ली, आस्तीन तैयार हो गई। अब जो कटिंग किया था उसमें सेम वैसे ही अस्तर को इसको कच्चा कर लेना है, मेन पीस को चारों तरफ से इस पीस को कच्चा कर लेना है अपने को। नीचे से जो अस्तर अपना उसको फोल्ड कर लिया मैंने, और इसको चारों तरफ से जो मैंने हाथ से कच्चा कर सकते हैं, सिलाई लगा सकते हैं, अगर मशीन सही नहीं चले तो इसको फेविकोल से भी चिपका कर इसको कच्चा कर सकते हैं। दोनों को मैंने कच्चा कर लिया इसको, और गला भी जो है कटिंग कर लिया है इसका, फ्रंट और बैक। ये मेरा बैक गला है जो 2.5 इंची, और ये मेरा फ्रंट का जो है मेरा बड़ा है, ये देखिए, ये वाला मेरा फ्रंट का है जो थोड़ा बड़ा है, और ये नॉर्मली बैक का गला है। ऐसे ही करके इसकी कटिंग करके ये देखिए, यहाँ पर भी मैंने थोड़ा फ़र्क डाल दिया, ये फ्रंट हो जाएगा और ये बैक हो जाएगा। और मैंने शोल्डर का भी टांका इसमें लगा दिया है, ये मेरा एक साइड हो गया, ठीक है। अब इसमें आस्तीन लगाएंगे, पहले तो ये आस्तीन यहाँ पर अटैच करेंगे। आस्तीन लगाने का भी जो तरीका है, फ्रंट से फ्रंट मिले वही आस्तीन इसमें लगानी है, दूसरी वाली आस्तीन जो है उसको निकाल के रख देंगे। ये वाला मेरा फ्रंट है तो ये आस्तीन मेरी इसमें लग जाएगी। आस्तीन लगाने का तरीका यही है कि नीचे रखें इसको और यहाँ से इसको मिलाएं और कुटका मिल जाएगा, और इसको सिलाई लगाकर अटैच कर लेते हैं। तो ये पहले अटैच में कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का काम जो करेंगे। ये अटैच में इसको कर लेता हूँ आस्तीन, फिर मैं तो अब देखिए इसमें जो है आस्तीन ये अपनी लग चुकी है, जो अपने लेफ्ट हैंड साइड आएगी, ठीक है, एक तरफ। तो ब्लाउज में दूसरी हिस्से में जो है आस्तीन लगाएंगे। तो ये आस्तीन आ गई, ये फ्रंट है, ये बैक है, तो अपने इस हाथ पे ये आस्तीन आएगी। अब इसमें 2 लूप्स लगाने हैं, लूप्स बना लेनी है अपने को, डोरी बना लें उस तरह से, जिसमें अपने ये यहाँ से इसमें सिलाई लगा लें, और बटन को देख लें कि इसमें बटन आ जाएगा नहीं, बटन की साइज़ के अनुसार। तो फिलहाल मैं 2 बटन लगाऊँगा, एक यहाँ फ्रंट में और एक ये बैक में, इसलिए मैंने ये 2 लूप्स बनाई हैं, और ये बटन मेरा आसानी से आ जाए इतनी ही मैंने सिलाई लगाई है। इसको पहले मैं अटैच कर लेता हूँ यहाँ पर,
ठीक है, जितना सिलाई लगी उसमें आ जाए, पट्टी दबाव में आ जाए, ठीक है, उतना ही इसमें लगा लेते हैं और पहले इसको अटैच कर लेते हैं। फिर अब इसमें ये लग गया अपना, ठीक है, अब इसमें जो है पट्टी लगाएंगे। इसमें जो पट्टी है मेरी, ये आड़ी पट्टी हो जाएगी, ये मैंने पट्टी कटिंग कर ली है आड़े कपड़े में। ये पट्टी जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसमें, और गले में उरेब की पट्टी लगा लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, और इसमें फ्रंट और बैक में यहाँ पर और यहाँ पर पट्टी में लगा लेता हूँ यहाँ पर बिल्कुल बराबर दबाव में। और ये पट्टी इस तरह से इसको लगा करके अंदर की तरफ इस पट्टी को जो है मैं पक्का कर दूंगा, और ऐसे हो जाएगी। तो ये पट्टी मैं इसको सिलाई लगा करके पहले सिलाई लगा लेता हूँ, फिर इसको अंदर पक्का कर देता हूँ ये दोनों पे, फिर ये पट्टी और लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब ये गला पैक करेंगे। गला पैक करने के लिए उरेब की पट्टी लेंगे। अब ये उरेबी पट्टी है मेरी, ठीक है, और इसमें यहाँ से अटैच करके इसमें यहाँ तक इसको मैं पहले लगाऊँगा और फिर इसको जो है पक्का करेंगे। इस पट्टी को थोड़ा सा खींच के रखें मामूली सा हल्के हाथ से, और सिलाई लगा कर इस पट्टी को जो है इसको मैं पक्का कर लेता हूँ। इस पट्टी को लगा करके ये पट्टी भी अपनी जो है, गला भी पक्का हो चुका है, इसमें मैंने उरेब की पट्टी लगा कर पक्का कर दिया है, ठीक है। अब इसकी जो है आस्तीन, ये आस्तीन है, और ये आस्तीन पे अब इसकी साइड जो है आस्तीन से यहाँ से लेके इसकी पूरी साइड हो जाएगी, जहाँ पर अपना मार्किंग है, ये मार्किंग है, इस पर मार्किंग पे सिलाई लगा कर इसकी साइड हो जाएगी। और इसकी जो नीचे की फोल्डिंग है, ये नीचे की मुड़ाई है इसकी, ये भी बारीक बारीक मुड़ाई कर लूँगा। तो इस तरह से अपना जो है एक हाफ फ्रॉक जो होता है बनके तैयार है। इसके साथ में ये ब्लाउज़ तैयार होगा, तभी आप पहन सकते हैं इसको। तो ये फ़िलहाल इस वीडियो में यही है, आगे वाला जो वीडियो होगा इसका फ्रॉक होगा, जो पैटर्न मैंने आपको पहले बता दिया उसका, उस तरह से बनाएंगे। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ। तरह से अपना बन के तैयार है फ्रंट, ये आस्तीन ऐसे कैसे, ये आधा हाफ फ्रॉक, और ये इसका घेर हो जाएगा, ये काफ़ी इसमें जितना आप रखना चाहो उतना है घेर, ठीक है। इसका ब्लाउज के बिना ये अधूरा है, तो इसका ब्लाउज दूसरा बनाएंगे फिर।